पिछौर में दशहरा मिलन समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पिछौर विधायक पूर्व मंत्री केपी सिंह का काजू रहे, जहां भगवान श्री राम ने रावण के पुतले का दहन किया। बुराई पर अच्छाई की जीत, पिछौर विधायक केपी सिंह का काजू ने भगवान जी श्री राम को तिलक किया और भगवान श्री राम की आरती की, कार्यक्रम की शुरुआत की। नगर परिषद अध्यक्ष कविता विकास पाठक के द्वारा दशहरा मिलन समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रामलीला मंडली के कलाकारों का सम्मान, पत्रकारों का सम्मान, प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान, मंच से पूर्व मंत्री पिछौर विधायक केपी सिंह का काजू के द्वारा कराया गया। दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष विकास पाठक ने मुख्य अतिथि केपी सिंह का काजू को शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दशहरा मिलन समारोह में आए हुए अतिथियों का सम्मान किया, साथ ही सभी को दशहरे की शुभकामनाएं दी। विकास पाठक जी ने मंच से विधायक रामलीला समिति को रजिस्टर्ड करने की मांग की, जिससे रामलीला समिति को सरकारी फंड मिल सके। पिछौर विधायक केपी सिंह का काजू ने तुलसी कला मंडल के कलाकारों का व पत्रकारों का, प्रशासनिक अधिकारियों का सम्मान मंच से किया। विधायक ने मंच से कहा कि हर साल रावण का पुतला दहन करके बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार हम मनाते हैं, लेकिन हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अंदर के रावण का दहन करें, अच्छाई के मार्ग पर हम चलें। इस तरह दशहरा मिलन का कार्यक्रम मनाया गया। कार्यक्रम के अंत में नीरज पाठक के द्वारा कार्यक्रम में आए अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश भी वो अपने उसमें जो है संरक्षण में लिए हुए हैं, तमाम समस्याएं लोगों ने गिना दी और ये सत्य है समस्याएं अनेक, और निदान के तौर पर अगर कोई विधानसभा क्षेत्र में व्यक्तित्व का धनी है तो वो केपी सिंह विधायक हैं, वो आपके बीच में आएंगे और अपने कर्तव्य निष्ठा की। मैं जो तत्काल बातें उठी हैं यहाँ और कुछ बात मेरे मन में जो मुझे उठी है यहाँ, वो आपसे के सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं विकास आपको बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। मुझे नहीं पता था, आज पहली बार पता लगा कि आप और आपके पिताश्री इस सारे कार्यक्रम के प्रायोजन होने में सारी अपनी महती भूमिका अदा करते चले आ रहे हैं। पद पे रहे, बिना पद के, ये पद पे रह के तो बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन बिना पद के काम को अनवरत रूप से चलाना बड़ा मुश्किल काम है। संस्था जब हमारे हाथ में होती है तो साधन हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन जब संस्था हमारे पास नहीं होती और फिर व्यक्तिगत रूप से किसी कार्यक्रम को करना और जनसहयोग इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है आज के जमाने में, और विशेषकर धन। तो जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ विकास आपकी कम है। दूसरा कार्यकाल है आपका, ये मत समझना कि मैं अपना भार आप पे डाल रहा हूं। मैं जिंदगी में एक कभी ऐसा नहीं किया कि अपना भार किसी और पर डालूं, दूसरों का भार हमारे सर हो, ये कोशिश हमेशा रही है, उसको सार्थक प्रयास कर। लेकिन चूंकि रामलीला पिछोड़ की हम लोग भी बचपन में छोटे छोटे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग भी राशि बिहारी मंदिर के पास आते थे और वहाँ जगह की कमी होने की वजह से सबसे पहले जो फट्टा बिछा लेता था आगे वो ही आगे बैठता था, बाकी तो बोले।